नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग पटेल पार्क में कपूरथला पे, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक संत सम्मान सम्मेलन लगा हुआ है। 65वां राष्ट्र अधिवेशन हो रहा है, अखिल भारत हिंदू महासभा, जहाँ दूर दूर से बहुत सारे संत आए हुए हैं और संतों का सम्मान को लेकर एक महाकार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम की क्या रूपरेखा, यहाँ के लोगों से बात करते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ करके संतों के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा कार्य करता है, तो उनके सम्मान के लिए आइए चलते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। पे क्या कहेंगे, इतनी दूर दूर से लोग आए हैं, तो क्या कहेंगे? आज ये मंच हिंदू महासभा का है और हिंदू महासभा एक ही नारा देती है सारे हिंदू भाइयों को कि जात पात की करो बिदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और सब मिल करके हमें ये जातिवादी जो विचारधारा है उसे समाप्त करना है। अंग्रेजों ने हमारे बीच बोई है और मुसलमानों ने उसका खेती जो किया है उसको काट रही है, तो मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों का मैं आज आप उनकी निंदा करता हूं और आने वाले समय में हिंदू भाइयों से अपील करता हूं कि अपनी अपनी जात छोड़ करके केवल सनातन वैदिक धर्म को अपनाओ और हम सब भाई हैं। मुझे बचपन में याद आ रहा है कि बिना हरिजन के हम काम ही नहीं कर सकते थे, नाई जब आता था तभी हमारा मुंडन करता था, जब धोबी आता था तो माघ में सिंदूर पहले वही बरता था। आज हम सब भूल गए हैं इन नेताओं के चक्कर में, तो ये जितने नेता हैं ये जाति तोड़ो और अपना संगठन बनाओ। आज मैं ये चाहता हूँ, आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। वसीम रिजवी ने कुछ दिन पहले सनातन धर्म अपनाया था, उसके बारे में क्या कहा? ये तो मुसलमान हिंदू, मैं मुसलमानों से भी निवेदन करूंगा, अभी ओवैसी ने कहा है कि मैं शेर की संतान हूँ। अरे पागल आदमी, तुम शेर की संतान कैसे हुए? तुम्हारे दादा पहले ब्राह्मण थे, डर के मारे तुम मुसलमान बने। हम शेर की संतान तब कहेंगे अपने उन पूर्वजों का मान बढ़ाओ और पुनः हिंदू धर्म में आ जाओ। हम पूरे भारत के मुसलमानों से ये निवेदन करते हैं कि ये तुम्हारा सनातन वैदिक धर्म को अपनाओ और देश को बचाओ, हिंदू सनातन धर्म बना करके आगे बढ़ो। इधर राजनीतिक पार्टियां कहती है हिंदू महासभा देश को बांटने का कार्य करती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ओहो, बड़ी खुशी की बात है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ हम कहाँ बांट रहे हैं। हम बांटते होते तो कांग्रेस ये जो मुसलमानों के लिए एक आयोग गठित कर दी, क्या हिंदुओं के लिए आयोग नहीं गठित कर सकती? आज ये सब बांटने का काम करते हैं। उसका कारण यही है कि हम बिखरे हुए हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा सभी हिंदुओं को एक करके आगे एकजुट होकर के हम सारे सेकुलरवादियों को का मुकाबला करेंगे। जय हिंदू राष्ट्र। ये बहुत ही गर्व का विषय है कि वापस हिंदू तो हिंदू राष्ट्र जो भारत था, भारत हिंदू राष्ट्र सनातन राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, उसके देश में ऐसे सम्मेलनों का आयोजन होने पे अगर आश्चर्य हो तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा गर्व होना चाहिए कि वापस हम उस गौरवान्वित इतिहास को दोहरा रहे हैं और ये जो हिंदू राष्ट्र बनने का सपना है भारत को, सनातन पूर्णतः सनातन राष्ट्र हिंदू राष्ट्र का, वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा ही पूर्ण करेगी। ये हमारा पूर्णतः इस पर विश्वास है और यही समाज को संदेश भी है, आश्वासन भी है। अगर हिंदू हितों की कोई बात करता है पूर्णतः जो आज तक करता आया 100 सालों से, तो वह है अखिल भारतीय हिंदू महासभा। धन्यवाद। क्या है, आज राष्ट्रीय अधिवेशन करा गया अखिल भारतीय हिंदू महासभा की, तो आज का सत्र क्या कहना है? यही कहना चाहेंगे कि भारत सनातन धर्म की ओर, भारत वासी सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं और हिंदू जाग रहा है और अखिल भारत हिंदू महासभा ये हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना लेकर हिंदू राष्ट्र बने और इसी उपलक्ष्य में सब कार्यक्रम हो रहा है। हमें पुलिस प्रशासन, सर जी आपसे एक सवाल करेंगे, जिस तरीके से आपने अपने भाषण में कहा पाक साफ साफ पाक जी, हम साधु महात्मा हैं, हमारी हर बात जो है पाक साफ होती है, साफ पाक होती है। अब आप इसका अर्थ समझे या समझने का मतलब आपका है? समझे सर जी, तभी बोल रहे हैं। हाँ, तो हमारा उद्देश्य भी है, हमारा कहना भी है, हम साधु हैं महात्मा हैं, हम हमेशा ही कहेंगे हमारा वचन साफ पाक होता है, पाक साफ होता है। यानी कि एक हिसाब से आपका कहना है पाकिस्तान को एकदम साफ, तो कहें पाकिस्तान होता है, हम तो कहते हैं पाक साफ हो, साफ पाक हो। अब आप अर्थ लगाइए, यानी कि पूरा हिंदुस्तान राम इज नॉट गॉट इन द सेंस ऑफ इंडिया।
दुनिया बता दो कैसे राम मिश्र राष्ट्र महामिश्र मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करे हम उसके पुजारी हैं, जो देश की आजादी की संरक्षा करें हम उसके पुजारी हैं, जो हर हर लोगों का समग्र उसके पुजारी हैं। हिंदू मतलब जानते क्या होता है, प्लीज व्हाट इज मींस ना हिंदू, हीन भावना से जो हमसे दूर हो गए हैं वो चाहे किसी भी जाति को हो हम उनको गले लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड हिंदू। जो हीन भावना से हमसे दूर हो गए हैं हम उनको कलेजे से लगाएंगे, इसी का नाम हिंदू है। और हिंदू केवल संत कर सकता है, क्या बात करते हैं, गाध तने मन चिंता व्यापी हर बिन मन है निश्चर पापी, राष्ट्र की चिंता केवल संत को होती है और संत ही चिंता करता है। आज तिदंडी महाराज एक संत हैं, हम लोग संत हैं, हम लोगों ने बीड़ा उठाया है तो हिंदुस्तान में राम जी का जन्म हो गया है, राम जी का स्थान बनाया गया है, अब भारत में राम राज की स्थापना होगी, हम लोग संग ले रहे हैं। यह संकल्प शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में लिया जा रहा है, 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में गुरु गोविंद सिंह के सारे बच्चे शहीद हो गए थे, तो शहीद दिवस के दिन का और संतों का संकल्प कभी विफल नहीं होता है। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम बोलना है, हिंदुस्तान में रहना है तो राष्ट्रगान बोलना है, हिंदुस्तान में रहना है तो तिरंगा सम्मान करना है, नहीं तो हिंदुस्तान में आपको रहने की जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान राष्ट्रभक्तों का है, हिंदुस्तान देश के शहीदों का है, हिंदुस्तान तिरंगा का है, हिंदुस्तान आन बान और शान का है। मैं पंडित आत्माराम तिवारी, अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये हमारे पार्टी का नारा है और इस पार्टी के अंदर में जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही, हम लोग धर्म को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें जो है जो रोक टोक करते हैं उन लोगों की सरकार बिल्कुल बेकार है, जो धर्म और हमारे सनातन धर्म के ऊपर में रोक टोक करे वो सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें अखिल भारत हिंदू महासभा की सरकार चाहिए और हिंदू महासभा हमारा एक ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी हम जाएं हमारे हिंदू महासभा का एक जो है परचम लहराए और हिंदुस्तान के अंदर में हमारे मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री होने चाहिए, ये हमारा जो है कोशिश है। और सारे नौजवानों से यही जो है हम कहेंगे कि सब लोग जो है लग करके अपने मनस्थिति को बना करके आगे बढ़ें, कल हमें विजयी जरूर होंगे, अनेक प्रकार के इच्छाओं की पूर्ति होगी और हम जो है समाज का सेवा कर सकेंगे, ये हमें शुभ अवसर प्राप्त जरूर होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। मैं कर्म क्षेत्र हमारा तमिलनाडु है, जो 35 साल से मैं वहाँ पर निवास करता हूँ। धर्म क्षेत्र के समीप में हमारा एक गांव है हरिपुर अंबेडकर नगर, तो यहाँ पे अयोध्या के पास में हमारा गांव है श्रवण क्षेत्र के पास में, वहाँ पे जो है मैं आदि शिव शक्ति महाकाली मंदिर के जो है पीठाधीश हैं और भगवान की कृपा से मैं सनातन धर्म के अंदर में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सनातन धर्म के अंदर में ही हमारा जो है जीवन व्यतीत हो और आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत कृपा हो भगवान का। जी नंबर प्लेट के ऊपर में गाड़ी में हिंदी लिखा हुआ था, तो अगर हाँ हिंदी में लिखा था, तो अगर ये नंबर प्लेट पे हिंदी नहीं लिखा जाएगा तो क्या हम फारसी लिखवाएं, क्या हम इंग्लिश लिखवाएं? हमारे कोई कोई महान भाव ऐसे होते हैं जो हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं, तो ऐसा कौन हिंदुस्तान के अंदर में है जो हिंदी पढ़ना नहीं जानता है? कोई महान भाव यहाँ है? जब पुलिस प्रशासन ऐसा पूछ रहा है कि हिंदी क्यों लिखवाए हो, तो और लोग क्यों नहीं पूछेंगे? बाहर के लोग जिसको बांट दिया गया है हिंदुस्तान के अंदर में, वो अपने यहाँ नहीं गए हैं तो अपना भाषा यहाँ ले आकर के पटक देंगे, कहेंगे हमें उर्दू चाहिए। तो हिंदुस्तान के अंदर में मेरा एक कृपा प्रार्थना है योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि हिंदुस्तान के अंदर में हर प्रांत में हिंदी कंपलसरी होना चाहिए। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा तेलंगाना राष्ट्र आंध्र प्रदेश राष्ट्र में धर्माचार्य प्रकोष्ठ है। मुसलमान जिहाद बोलते हैं, क्रिश्चियन शांति बोलते हैं, हिंदू वाले को वैसा नहीं करना। ये हिंदू सम्मेलन के
परमहंस परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी परिव्राजकाचार्य व्रतधर रामानुज चिन्नजीयर स्वामी को राष्ट्र देश अध्यक्ष को बना लिया। ये फंक्शन में आया, बहुत आनंद हो गए। सभी हिंदू को हिंदू से नाशन करने का को देख रहा है, उसको पोराट करने है तो शांति होता है, उसके लिए मैं आया। सर के 65वें राष्ट्रीय अधिवेशन एवं संत सम्मान समारोह में किन पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है? सबसे पहले तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमें मिली है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज यहाँ पर सम्मिलित हुआ। इसके पहले भी था, लेकिन अब नया और जिम्मेदारी दी गई है, हम उसे अच्छी तरह से निभाएंगे। हमारे साथ अभी उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, जिसमें रविंद्र द्विवेदी जी, ये हमारे कमलेश जी और भी ये मंत्री, इस तरह से हम 12 लोगों की एक टीम यहाँ सेलेक्ट की गई है। और आगे हम यही चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो और सारे हिंदू मिलकर के ये अपनी जाति को भूल करके, आज एक मुसलमान भाई से पूछो तो कहता मैं मुसलमान हूँ, और हमारे हिंदू से पूछो तो कहेंगे मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। इतना नेताओं ने हम लोगों को गुमराह कर दिया है कि हम अपने जाति के आधार पर ही अपने को बांट दे रहे हैं। अब हमारा प्रयास यही है कि ये जाति शब्द को हटाकर सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करें। हिंदू महासभा जिस दिन सत्ता में आएगी, ये जाति पात को हटा करके सब हिंदुओं को एक ही नारा में पिरोएंगे, और वह है जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। सर, प्रदेश में जो है वर्तमान समय में भाजपा की सरकार है, वो हिंदुत्व का बहुत बड़ा एजेंडा लेकर आई। मैं भाजपा वालों का स्वागत करता हूँ। माननीय जोगी जी जो मुखर हो करके मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, वो मुसलमान का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो हिंदू सनातन वैदिक धर्म को नहीं मानता उसका विरोध कर रहे हैं। स्पेशली मुसलमान उनका शुक्रगुजार हैं और उन्हें हम बधाई के पात्र हैं, और हम चाहेंगे कि वो हिंदू महासभा से मिल करके और सरकार में हम लोगों को भी योगदान देने का प्रयास। सर, विपक्ष एक तरफ हो गया, कैसे जो है आप हिंदुत्व का परचम पुनः अलग हुआ? ये जितने भी हैं वो उसका एक ही कारण है, आपके माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि ये जितने नेता हैं ये देश का कल्याण नहीं कर रहे हैं, ये जाति के रूप में हम सबको भ्रमित कर रहे हैं। बताइए कितनी बड़ी दुख की बात है कि ये नेता अपनी तनख्वाह स्वयं कर लेते हैं, और तनख्वाह लेने का मतलब है कि वो हमारे नौकर हैं, ना कि वो जनप्रतिनिधि हैं। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में जो है शराब वितरित की जा रही है, तो किस तरीके का? ये यही तो अफसोस है। आज आप देखिए, आप चले जाइए शराब की दुकानों पे लिखा जा रहा है, ऐ ध्यान तुम्हारा किधर है, अंग्रेजी शराब की दुकान इधर है। ऐसा भी हमने देखा है। हिंदू महासभा किसी के व्यापार को नष्ट करना नहीं चाहती, लेकिन हम चाहेंगे हमारे हिंदू महासभा सब जगह जा कर के उनके वो बोर्ड जहाँ जहाँ हो हटाया जाए और आगे बढ़े। सर, आज के 65वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, सर प्रदेश कार्यकारिणी के कई पदाधिकारी किन किन प्रदेशों से पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए? लगभग 15 से 20 प्रदेशों से प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग यहाँ पे आए, जिनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि लखनऊ की लखनपुरी की धरती पे उनका आगमन हुआ। और आज 65वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसमें माननीय परम पूज्य स्वामी त्रिदंडी जी महाराज को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित तो हो चुके थे, लेकिन आज उनको दायित्व दिया गया, आज से उनका कार्यकाल शुरू हो रहा है अगले 3 वर्षों के लिए। इसी के तहत कई पदाधिकारियों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको जिम्मेदारी दी है, कुछ पद खास खास पदों पर गठन हुआ है, और इसी के तहत
कुछ लोग जो प्रदेश के भी थे उनका गठन मेरे व बबीता जी के द्वारा या प्रदेश समी प्रकोष्ठ व्यापारी प्रकोष्ठ के द्वारा किया गया है। और आगामी 2022 के चुनाव यादव जो है समाजवादी पार्टी में आ गए हैं और गठबंधन काफ़ी मजबूत हो रहा है, तो ये आपके लिए एक भय की स्थिति होगी? हिंदू महासभा क्रांतिकारियों की पार्टी रही है, ये कभी भयभीत नहीं होती, क्योंकि नाथूराम गोडसे जैसे हमारे परम वीर पैदा हुए हैं हिंदू महासभा में, इसलिए भयभीत होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो क्रांतिकारियों की पार्टी रही है, वो चचा भतीजे अपना कब अलग हुए कब हुए वो एक घर का है, वो पार्टी नहीं, वो एक परिवार है, वो कभी अलग हो जाते कभी एक हो जाते, उनको उनका काम है ना। आपका नुकसान होगा? मेरा कोई नुकसान नहीं होगा उससे, क्योंकि हिंदू महासभा से जो प्रभावित है और जो हिंदू महासभाई सोच रखता है, जो अखंड हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो जात पात की बात नहीं करता है, जो जात पात में विश्वास नहीं रखता है, वो हिंदू महासभाई हमारे साथ है। और हिंदू महासभा का आज से नहीं 1915 से ये लक्ष्य रहा है कि जब भी हिंदू महासभा सरकार बनाएगी तो केवल मात्र हिंदुओं की सरकार बनेगी, उसमें नो क्रिश्चन नो मुस्लिम। इससे पहले भी सर विपक्ष एकत्रित हुआ था और सपा सरकार को नुकसान उठाना, तो इस बार क्या लगता है आपको, उससे नुकसान होगा या फायदा होगा? नहीं, सपा सरकार को नुकसान, सपा सरकार तो मुझे नहीं लगती कहीं से भी की दिख रही, क्योंकि सपा सरकार तो हत्यारी है, हम लोग तो उसको राम भक्त के हत्यारी मानते, हम लोग तो उसके आसपास भटकना नहीं चाहते, तो सपा से मेरा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि सपा को जो मानने वाले हैं वो हिंदू महासभा के अगल बगल नहीं दिखेंगे। सर आगे क्या रणनीति होगी, कितने सीटों पर प्रत्याशी होगा? आज अभी आपके सामने इसी मंच से लगभग 10-15 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। आगामी अगले मंथ जनवरी में जैसे आचार संहिता शुरू हो रहा है कि जैसे ही लागू होगी हमारे सभी प्रत्याशियों की घोषणा प्रेस वार्ता के दौरान की जाएगी और लगभग मान के चलिए 250 से 300 सीटों पर हमारे प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं। सर इतनी मजबूती से हिंदू महासभा मजबूत होती दिखाई पड़ रही है प्रदेश और अन्य जनपदों में, तो सर उसका श्रेय किस तरीके से आप जिन पदाधिकारियों को देंगे और आगे की क्या रणनीति रहेगी संगठन विस्तार? ऐसा है कि जो हिंदू महासभा भयानक रूप ले रही है, प्रचंड रूप ले रही है, उसका सबसे बड़ा योगदान माननीय परम पूज्य स्वामी त्रिदंडी जी महाराज को जाता है, क्योंकि जिन्होंने जो हिंदू महासभा की संरचना कर रखी है, जो हिंदू महासभा इनके द्वारा पनप और फूल रही है, उसका पूरा श्रेय महाराज जी को जाता है। और जैसे कि इस पे विवाद की जो बातें हैं, वो सारे विवाद भी महाराज जी अभी दिल्ली भी गए थे और कई राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात की है और बहुत जल्द इसका भी निपटारा हो रहा है, एक मंच में सभी आ रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी सुखद सूचना होगी हिंदू महासभा के लिए कि जब प्रचंड रूप होगा उसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। बिल्कुल होगी और उस पर हम लोग अग्रसर हैं और बहुत जल्द निर्णय आपके सामने आएगा कि हिंदू महासभा देश की प्रथम राजनीतिक पार्टी घोषित होगी और सत्ता में भी आएगी।